हम आप सभी को ब्रिज कोठी की तरह ले चलते हैं। ये देख सकते हो ये मेन रोड है और यहाँ से सीधा आप जाना है ब्रिज कोठी की तरफ। अभी जो होटल बना हुआ है यहाँ से हम सीधा जाना है। एक होटल आएगा पहले, जब नीचे से आप वो पांडव भवन के लिए जाते हैं तो इसी रोड पे पड़ता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो ब्रिज कोठी है। ब्रह्मा बाबा ने इस जगह पर 350 भाई बहनों के साथ 3 साल इसी स्थान पर बिताए थे। ये देख सकते हो ये है ब्रिज कोठी। ये देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ था नीचे और यहाँ से जाने की ऊपर जाने की थी और यहाँ से एंट्री भी थी जाने के लिए। ये सामने देख सकते हो महाराजा यहाँ की आबू की महाराजा ने इसकी प्लेस पहले से है। आज भी वही दीवार वही सब कुछ है
अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग है रूम की। ब्रह्मा बाबा ने इस जगह पर बैठकर मुरली सुनाते थे, आज भी वही पेड़ है आप देख सकते हो। आज भी वही पेड़ है, वही स्थान है, सेम पहले जैसे थी ऐसा सेम टू सेम है। इस जगह से पूरा आबो की दर्शन कर सकते हो। इसके आगे सनसन घाट है। यहाँ सेल्फी ले सकते हो, सेल्फी पॉइंट। लकड़ी की सीढ़ी है।
ये ब्रिजकोट की पीछे की साइड का नज़ारा है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये शमशान घाट, इस जगह में ब्रह्मा बाबा का बेटी और बहुत सारे महारथी को अंतिम संस्कार इस जगह पे किया गया है। आप देख सकते हो जगह, ये ब्रिज कोठी की पीछे की साइड में है।